जे सानू मिल जाए तो आना की पाली चार दुनिया भर के सिख है जो नहीं हिस्सा रखता कि जे भारत सरकार दिंदी है सानू जे असीं लवांगे तुसीं डिमांड करदे वैसे जे सानू देऊगी ते असीं लवांगे। 6 जून वाले दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहिब उत्ते होए हमले की 36वीं वरेगंढ अज मनाई जा रही है। उत्थे सवेर तो ही सिख जथेबंदियां वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती जा रही है। अते जदों सवेरे सिख जथेबंदियां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब नतमस्तक होने लई पहुंच रहियां सन उदों ही पुलिस कर्मचारियां अते सिख जथेबंदियां दे विच कहासुनी हुई अते हल्की धक्का मुक्की दे कारण कुछ सिंह जख्मी भी हो गए। उत्थे इस पूरे मामले उत्ते सरबत खालसा विच थापे गए जथेदारां वल्लों कहा गया है कि जो प्रेस की आजादी नूं लैके प्रशासन अते SGPC वल्लों अज पत्रकारां दी एंट्री ते रोक लगाई गई है वह बेहद निंदनयोग है। अते अजोके दिन सारे सिख श्रद्धालु श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते पहुंच के शहीदां नूं श्रद्धांजलि भी दिंदे हन। 6 जून वाले दिन भारतीय फौज दे द्वारा सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच टैंकां दे तोपां दे राही हमला किया गया सी जिस विच संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाले दी शहादत होई सी। उत्थे जथेबंदियां वल्लों 36 साल तो लगातार उन्हां शहीदां नूं याद करन लई सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विच पहुंचिया जांदा है अते श्री अखंड पाठ साहिब दे पाठ दे भोग दे बाद जथेदार श्री अकाल तख्त दे द्वारा संदेश भी दिता जांदा है। उत्थे अज एक बार फिर तो श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार दे द्वारा दिते गए संदेश दे बाद खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे भी सुनन नूं मिले। उत्थे जथेदार श्री अकाल तख्त ने पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होए कहा कि जो भी सिख श्रद्धालु खालिस्तान जिंदाबाद दे नारे लगाउंदे हन उह उहनां दा निजी फैसला है अते जेकर कोई व्यक्ति जोश च आके नारे लाउंदा है तां उह गलत भी नहीं है। उत्थे उन्हां कहा कि जेकर जो लोग खालिस्तान दी मंग करदे हन जेकर मिल जावे तां उह गलत नहीं होवेगा। उही ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस दे द्वारा जो लोकां दे चलान कट्टे जा रहे हन उह शराब दे ठेके दी कमी पूरी करन लई कीते जा रहे हन। उन्हां कहा कि अज जिन्हां सिखां नूं हरिमंदर साहिब आउण लई रोकिया जा रहा है उस दी उह कड़ी शब्दां विच निंदिया करदे हन। उत्थे सिख जथेबंदियां वालों एक बार फिर तो पंजाब सरकार तो मंग की गई है कि जो 8 तरीक नूं धार्मिक गुरधाम खोलन की इजाजत केंद्र सरकार दे द्वारा दिती गई है वह पंजाब सरकार दे द्वारा भी देनी चाहिए है। उत्थे उन्हें कहा कि 1984 तो लैके हुण तक का सारा वाक कलमबंद होना चाहिए है। उत्थे उन्हें कहा कि जेकर 8 तरीक नूं सरकार वालों श्री हरिमंदर साहिब खोलन की इजाजत नहीं दिती ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ 20-20 ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1984 ਨੂੰ ਹੋਏ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਤ 35-36 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸੁਦੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਤਾਂਘ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ
संगत जिहड़ी है वो दरबार साहिब विखे नहीं आ सकी, पर जिन्नी भी आई है सारयां दा तहे दिलों असीं धन्नवाद करदे हां। अज शहीदां नूं याद करन वास्ते असीं पहुंचे और ये सिख मानसिकता दे उत्ते हमला ये हमेशा हमेशा तक याद रखा जाता रहेगा। मैं उत्थे भी कहा आया कि ये रोका जिहड़ियां नहीं होनियां चाहीदियां, पर साडी जे असीं इक होईए इकट्ठे होईए रल मिल के बैठीए तो शायद ये रोक जो ना लगे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रबंध है, प्रधान जी बैठे ने इन्हों बहुत सारे चलान जो मैं लगता है कि शराब का घाटा जोड़ा सरकार ने चलान कट के लोगों को पूरा करना है ये ठीक नहीं है। मैं लगता है कि देखो बखरे बखरे वाइट पेपर छापिया 1986-87 के आसपास बखरे बखरे विद्वाना ने बखरे बखरे अखी देखने वाले ने हंडी हंडाने वाले ने किताबा लिखिया तो एक ऐसा विद्वाना का पैनल बना के ये उत्ते एक दस्तावेज तैयार होना चाहिए क्योंकि अजे भी हड्डी हंडाने वाले इस साके मौजूद ने ते समा जिहड़ा है वह तेजी नाल लंघदा जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कहेंगे कि विद्वानों का एक पैनल बना के एक बड़ा दस्तावेज जिहड़ा है इस घल्लूघारे के संबंध के तैयार करवा के जिहड़ा रखा जाए, सारे इतिहास में फरोलिया जाए, सारे जिन्हें जिन्होंने हड्डी हंडाया उन्होंने बयान कलमबद्ध किए जाए, इंटरव्यूआं कईयां ने कीतियां ने वाहिगुरू नूं प्यारे हो चुके ने उन्हां नूं जिहड़ा पड़तोलिया जाए तो एक वड्डा दस्तावेज जिहड़ा है तैयार होना चाहिए तो उन्हों फिर सारिया भाषावां दे विच छपवा के दुनिया भर के पहुँचाया जाना चाहिए। देखो कौम के अंदर जोश हैगा उस जोश नूं प्रगट करन दे लई समागम की समाप्ति तो बाद जे कोई नारे लाउंदा मैं इहनूं जिहड़ा है वह गलत नहीं कहिंदा, लेकिन समागम के दौरान जिहड़ा नारे ला के उहनूं जिहड़ा विघन पाउणा ये ठीक नहीं है। बाद दे विच कोई अगर नौजवान साडे जोश च आ के लाउंदे आ तो मैं इहनूं जिहड़ा बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगा। 36 साल देखो अज भी भारतीय सरकार की जिहड़ी पेशकारी है वह सिख विरोधी हुई है, जिन्नी पेशकारी हुण तक हो रही है यह सिख विरोधी। सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया पर पंजाब सरकार वालों हले तक कोई फैसला नहीं। देखो केंद्र सरकार ने फैसला किया धार्मिक स्थान खोलन का स्वागत है तो पंजाब सरकार को भी धार्मिक स्थान 8 तरीक को खोलने चाहिए है क्योंकि मैं पहला भी कह चुका कि सिख खुले दर्शन दारियां की तांग रखता है तो इसलिए सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के खुले दर्शन होन संगतां नूं रोक ना होवे इहो ही बस असीं जे सानूं मिल जाए तो आना की भाली चार प्रधान जी बैठे है ज्यादा जानकारी इन्हां है देखो देखो बेगमपुरा नियों जी है गुरु नानक साहब ने रखती है, गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की सिरजना की है, ये बहुत वड्डा साडा एक महान स्वतंत्र संकल्प है। मैं कह दिता है कि जो भारत सरकार दिंदी है सानू तो असीं लवांगे, जो सानू देगी तो असीं लवांगे, दुनिया भर के केड़ा सिख है जिहड़ा नहीं इच्छा रखता। संतां दी जिंदा सोच नूं जिंदा रखना जिहड़ा बड़ा जरूरी है, उहदे लई मैं कह रहा कि इतिहास जिहड़ा है उहनूं कलमबद्ध करना बड़ा जरूरी है कि उस वक्त की होया की नहीं होया की उहनां दी सोच सी। शहीदी गैलरी जिहड़ी असीं बनाउण जा रहे सी उह काफी ज्यादा कम पेंडिंग पिया लंबे समय तों कुछ नहीं चल रहा, बैठे ने प्रधान जी इहनां नूं जानकारी चाह रहे ठीक है जी। अमृतसर तो कैमरामैन जतिन कुमार के नाल मुकेश मेहरा जीवे पंजाब टीवी।